फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ तृप्ति सक्सेना। होली की ढेर सारी बधाइयां आप सभी को एडवांस में। होली के शुभ अवसर पर हम बनाएंगे होली की थाली। जी हाँ दोस्तों, होली की थाली बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और वही इंग्रेडिएंट्स होंगे जो आपके घर में आसानी से मिल सकते हैं। और जब आप इस होली की थाली को बनाएंगे तो साथ में आप अपने मेहमानों के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं, यानी कि होली का आनंद भी ले सकते हैं। तो फटाफट तैयार करेंगे होली की थाली। इसके पहले जो मैंने होली की स्पेशल थाली बनाई थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप सभी उस थाली को भी जरूर देखिएगा। और भी बहुत सारी वेराइटीज हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमने ऑयल डाल दिया है और अब हम इसमें ये आलू डाल देंगे। आलू की सब्जी बनाने के लिए हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि दम आलू के लिए आलू सबके घर में मौजूद होते हैं। और अगर आपको कोई भी सब्जी नहीं समझ में आ रही है तो आप आलू फटाफट बना सकते हैं। तो दम आलू बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए इन्हें हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे इस तरीके से। अब हम इसी पैन में वापस से ऑयल डालेंगे। आप अगर मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते हैं फ्रेंड्स, तो आप रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मैं ज्यादातर सब्जियां मस्टर्ड ऑयल में ही बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि कहते हैं मस्टर्ड ऑयल बहुत ही अच्छा रहता है सेहत के लिए। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे ये तेज पत्ता, एक खड़ी लाल मिर्च, मेस यानी कि जावित्री, हरी मिर्च, लौंग। और इन सबको पहले हमें अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेना है, यानी कि मिला लीजिए। अब हम डालेंगे इसमें प्याज और इसे एक मिनट तक भूनेंगे। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर। पहले भी मैंने दम आलू बनाया हुआ है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, तो आप एक बार उसको भी देख सकते हैं। और अब हम डालेंगे ये लहसुन, यानी कि लहसुन का पेस्ट, इसे भी हम मिक्स कर देंगे। लहसुन डालने से ग्रेवी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अब हम डालेंगे ये गरम मसाला, हल्दी पाउडर, दालचीनी पाउडर, तो ये थोड़ा सा जाएगा दालचीनी, ज्यादा नहीं डालना है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि मसाला बिल्कुल भी जलेगा नहीं। अब हम इसमें डाल देंगे ये टोमेटो केचप, इसमें डाल देंगे थोड़ी सी शक्कर, इसे भी आपस में मिक्स कर लेंगे।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको थाली का वीडियो भी दे दूंगी, जो थालियां मैंने अभी तक जितनी भी बनाई हैं वो सारे लिंक्स मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा। और उसमें और भी बहुत सारी वैरायटीज हैं खाने की, तो आप उसको देख सकते हैं। तो अब हम इंतजार करते हैं मसाला पकने का। जैसे ही मसाला पकेगा हमारा ऑयल हल्का हल्का ऊपर आने लगेगा, यही पहचान होती है मसाला पकने की। तो पकने देते हैं इन्हें हम। तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का ऑयल ऊपर आ गया है। और अब हम इसमें डाल देंगे ये स्मॉल पोटैटोस यानी कि दम आलू जो सबका दम निकाल दे, ये वो वाले आलू बनेंगे आज। इस तरीके से इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इसमें कोट कर दीजिए थोड़ा सा मसाला, और इन्हें थोड़ा सा और हम पकने देंगे इसी मसाले में, जिससे कि अच्छे तक इसके अंदर अच्छे से सारा मसाला आ जाए। इसे मिक्स कर दिया। और एक चीज मैं और बता दूं, ग्रेवी के लिए जो मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ कि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप गाढ़ी कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं थिक, तो आप पानी की मात्रा थोड़ी कम रखेंगे जैसा कि आप रेस्टोरेंट में चाहते हैं, और देखते हैं कि थिक ग्रेवी होती है। और अगर आप कम डालना चाहते हैं और अगर आप ज्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो थोड़ा पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो ये तकरीबन मैंने एक कप पानी डाला हुआ है, आपने देख लिया है, क्योंकि मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी चाहिए। और अब हम इसको इस तरीके से लिड से कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स हो गए हैं और अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए सब्जी हमारी रेडी हो गई है। ये देखिए काफी हद तक इसमें ऑयल्स भी ऊपर दिख रहा है आप लोगों को, और ये देखिए कितनी अच्छी हमारी ये दम आलू बन के रेडी हुई है। और अब हम इसे गार्निश कर देते हैं थोड़ा सा ये कोरिएंडर लीव्स डाल करके। तो ये हम इस तरीके से डाल देंगे, फ्रेश कोरिएंडर डालेंगे तो सब्जी और भी अच्छी लगती है खाने में। तो इस तरीके से डाल दीजिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, लास्ट में डालेंगे सॉल्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो अब हम इसमें सॉल्ट डाल देते हैं। सब्जी यानी कि गैस बंद कर दी है मैंने, और अब हम इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में। और नेक्स्ट सब्जी अब हम बनाने जा रहे हैं मशरूम द प्याजा। मशरूम तो प्याजा बनाने के लिए हम ऑयल डालेंगे, आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हैं और चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने ऑयल डाल दिया है, इसे अच्छे से हम गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, और डालेंगे हम ये प्याज। मशरूम तो प्याजा बनाने के लिए बहुत ही आसान रेसिपी है ये। इसे हम इस तरीके से मिक्स करेंगे। हमें इसमें क्या करना है, डालना है ये टमाटर। तो ये टमाटर भी इसी में मिक्स करेंगे तकरीबन 5 मिनट्स के लिए। देखिए ये अच्छे से हमारा भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये पेटल्स यानी कि प्याज की पंखुड़ियां जो भी हैं, ये सारी मिक्स कर दीजिए। इसमें डाल देंगे ये मशरूम, ये सारे मशरूम हमने डाल दिए हैं, और इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप बॉईल करके मशरूम बनाते हैं तो वो जल्दी से कुक हो जाएंगे यानी कि जल्दी से पक जाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर,
इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसे कुक करने के लिए। पानी उतने ही डालना है जितना इसकी जरूरत हो, ज्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, हमें इसकी कोई ग्रेवी नहीं बनानी है। आप चाहें तो इसमें टोमेटो केचप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा टोमेटो केचप। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आता है अगर आप ऐड कर देते हैं, बट बहुत से लोगों को टोमेटो केचप यानी कि मीठी सब्जी थोड़ा सा कम पसंद आती है, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत टेस्टी लगेगी। इसे इस तरीके से कवर कर देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो अब हम देख लेते हैं, 5 से 10 मिनट हमारे हो गए हैं, तो ये देखिए इस तरीके से कितना अच्छा सा आ गया है, सारे मसाले भी पक गए हैं। और क्योंकि ये हमारा बॉइल्ड था तो इसलिए हमें इसे ज्यादा कुक करने की भी जरूरत नहीं है। अब हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च और ये थोड़े से फ्रेश कोरिएंडर्स से डाल दीजिए और इन्हें इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। लास्ट में हमने आपको बताया था, लास्ट में मैं हमेशा नमक डालती हूँ, तो ये मैं नमक ऐड कर रही हूँ। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही ऐड करना है, इसमें हमें ज्यादा नहीं ऐड करना है और मिक्स कर देना है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में। ये सब्जी भी हमारी रेडी हो गई है, अब हम चलते हैं रायते की तरफ। बूंदी का रायता बनाने के लिए हमने ले लिया दही, तो इस दही को हम ले लेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे बूंदी। बूंदी डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल जरा सा पानी हमें ऐड करना, जितना आपको रायता बनाना उस हिसाब से। तो ये मैंने पानी ऐड कर दिया और इसे अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसे अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आपका दही अगर बहुत गाढ़ा है तो आप पानी मिलाइए, अदरवाइज नहीं तो आप मत मिलाइए। और ये देखिए दही एकदम परफेक्ट है रायते के लिए। और ये बूंदी मैंने उबाली बिल्कुल भी नहीं, ये बूंदी बिल्कुल भी बॉयल नहीं करनी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नीम की पत्ती और पुदीना है और ये हल्का सा नमकीन बूंदी है, तो इसलिए मुझे इसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये पुदीने की थोड़ी सी फ्रेश पत्तियां, थोड़ा सा ये धनिया, ये दोनों को ही मैंने ऐड कर दिया और इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होता है, पुदीने की जो पत्तियां होती हैं, जो पुदीना होता है उसका फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ऐड किया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये चीनी, तो ये थोड़ी सी चीनी ऐड की है, आप अपने मुताबिक चीनी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रायता होता है बूंदी का जैसे आप मार्केट में खाते हैं तो वो हल्का सा मीठा होता है, और आप चाहें तो चीनी को स्किप कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये सॉल्ट, तो बहुत जरा सा सॉल्ट। मैंने हमेशा आपको बताया है कि सॉल्ट की मात्रा बहुत ही रेयर होनी चाहिए, ज्यादा आप सॉल्ट मत ऐड करिए। तो ये सॉल्ट भी मैंने मिक्स कर दिया इस तरीके से। अब हम इसमें लगाएंगे तड़का, तो चलिए तड़के की तैयारी करते हैं। इसमें डाल देंगे ये ऑयल, ऑयल डालने के बाद हम इसमें इस तरीके से ये खड़ी लाल मिर्च डाल देंगे और ये कुछ राई है यानी कि सरसों है, हम इसे भी डाल देंगे और इसे हम इस तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। ऐसा हम बंद कर देते हैं, तड़का रेडी हो गया है। तो अब हम सारा तड़का इसके अंदर डाल देंगे। और इसे मिक्स कर देंगे, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है
और कितना सुंदर लग रहा है। और सबसे बड़ी चीज, तड़का लगा के अगर आप खाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही अलग होता है। बनाते हैं मालपुआ। हम इस तरीके का एक भगोना ले लेंगे, या फिर आपके पास कोई बाउल हो तो आप उसको ले लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये एक कप जो हमने सूजी लिया हुआ है इसे हम डाल देंगे इस तरीके से। आप डाल दीजिए। आप अगर आधा कप सूजी का बनाना चाहते हैं तो आधा कप आप मेजरमेंट अपने अनुसार करिएगा। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये इलायची पाउडर। तो ये इलायची पाउडर हमने डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे ये सौंफ। तो ये सौंफ भी मैंने डाल दी है। इसमें डालेंगे हम ये शुगर। तो ये शुगर भी हम डाल दे रहे हैं। डालेंगे मिल्क पाउडर। आप चाहें तो इसमें मलाई भी ऐड कर सकते हैं, क्रीम अगर आप चाहते हैं। वैसे अगर आपने मिल्क पाउडर डाल दिया तो क्रीम डालने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करना है, ज्यादा दूध ऐड नहीं करेंगे, बिल्कुल जरा जरा सा ऐड करेंगे। और इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे। इस तरीके से हमें अच्छे से मिलाना है। आप देखिए, तो ये देखिए ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। थोड़ा सा दूध हम और डालेंगे। ये बैटर हमारा रेडी हो गया है। और अब हमें क्या करना है, इसमें डालना है बेकिंग सोडा। तो ये भी हमें इसमें इस तरीके से डाल देना है। और उसके बाद इसे भी मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं कि इसको हमने मिक्स कर लिया है अच्छे से। और अब हम इसे 10 मिनट्स के लिए ढक के रख देंगे। तब तक हम बनाते हैं इसका शुगर सिरप। इस तरीके से हम इसे प्लेट से कवर कर देंगे और इसे 10 मिनट्स के लिए ढक के रख देंगे। और आप देख सकते हैं अभी भी इसमें दूध हमारा बच गया है। तो ये दूध हमारा बाद में काम आ जाएगा क्योंकि सूजी हमारी फूलेगी। तो ये मेरा शुगर सिरप पहले का रखा हुआ है, कल मैंने ही इसमें ये शुगर सिरप कल का रखा हुआ है, ये बच गया था। तो इसका भी इस्तेमाल हम इसी में कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हल्का सा गर्म होने देंगे, उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी मिला के, थोड़ी सी शक्कर मिला करके इसका एक तार की चाशनी रेडी कर लेंगे। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर आप शुगर सिरप आपके पास है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, फेंकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कल ही मैंने इसमें मीठे पारे बनाए थे, रिंग्स बनाई थी, तो उसी की चाशनी मेरे पास बच गई है, तो वही हम इस्तेमाल इसमें कर लेंगे। तो 10 मिनट्स हमारे हो गए हैं और जब तक हमारी ये चाशनी गर्म हो रही है, वैसे इसमें देखिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एक तार की चाशनी बनी हुई है। तो अगर आपके पास चाशनी बची हुई है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि शुगर सिरप आपका कोई बचा हुआ है, रसगुल्ले बनाए हैं उसका शुगर सिरप बचा है, या फिर आपके पास आपने मीठे पारे बनाए हैं उसका, शक्कर पारे बनाए हैं उसका शुगर सिरप अगर बचा हुआ है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर सिरप बनाने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देती हूँ, ओरली बता देती हूँ क्या करना है आपको। सिंपल सा है, एक ग्लास पानी लेना है तो एक कप शक्कर लेनी है और उस शक्कर को पानी में अच्छे से घुल जाने देना है। जैसे ही शक्कर घुल जाएगी फिर आप चेक करेंगे कि एक तार की चाशनी बनी है या नहीं। एक तार की चाशनी चेक करने के लिए आपको एक कटोरी लेनी है और उसमें थोड़ी सी चाशनी डालनी है और इस तरीके से आप एक तार ऐसा बनाएंगे। अगर वो तार आपका इस उंगली से इधर ऐसे जाता है तो मतलब आपकी एक तार की चाशनी रेडी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसा कि ये है सपोज, अब ये है, इसको मैंने ऐसे टच किया और ये देखिए, ये देखिए, ये बन रही ना एक तार की चाशनी, ये देखिए, ये देखिए, ये एक तार की चाशनी बन रही ना, तो इसका मतलब ये हमारा शुगर सिरप रेडी है। और ये देखिए बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, ये भी हमारा गर्म हो रहा है। हम घी को गर्म कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं घी अच्छे से गर्म हो गया है। और अब हमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ, जो हमने बैटर रेडी किया है तो आप देख सकते हैं ये बैटर हमारा अच्छे से सेट हो गया है। ये देखिए
अच्छे से फूल गया है बहुत अच्छे से। तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे इसमें, इसको हल्का सा पतला करने के लिए, और इसे अब हम मिक्स करेंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ हमें इसी तरीके की चाहिए, ये देखिए कि जैसे ही डाल रहे हैं तो ये फैल रही है इस तरीके से, तो हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए। और अब हम इसे गरम तेल में डालेंगे, आराम से हमें करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसे डालेंगे, देखिए हो गए ना कितने सुंदर और कितने अच्छे लग रहे हैं। बस इन्हें इसी तरीके से देखिए कितने फ्लफी हैं ये। अब हम इन्हें जैसे ये हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे हल्के से, तब हम इन्हें शुगर सिरप में डाल देंगे। एक एक करके इन्हें डाल देना है इस तरीके से, इस तरीके से इन्हें पलट लेंगे एक बार। ये शुगर सिरप में आसानी से पलट लीजिए। तो अब हम पूड़ी बेल के रख लेते हैं और उसके बाद हम बनाएंगे चावल। तो सबसे पहले पूड़ी के लिए आटा सना होना चाहिए तरीके से। हम पूरी बेल लेते हैं और उसके बाद हम बनाएंगे चावल। तो देखिए आप लोग कितनी जल्दी हमारा पूरी थाली बनके रेडी हो गई। होली की मालपुआ भी बन गया, गुजिया भी बन गई, पूरी भी बन गई, चावल भी बन गए, रायता सब कुछ रेडी है। चलिए फटाफट हम पूरी सेक लेते हैं, रेडी कर लेते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं पूड़ियां भी बनकर के रेडी हो गई हैं। हम बनाएंगे ठंडाई। ठंडाई बनाने के लिए हमने ये होममेड ठंडाई पाउडर बनाया है घर पे ही। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इसको बना सकते हैं देख करके। ये प्योर होममेड ठंडाई पाउडर है जो कि घर पे बना हुआ है। एक ग्लास ठंडाई बना रहे हैं तो आप दो चम्मच इस तरीके से ठंडाई पाउडर डाल दें, और इसमें बिल्कुल भी शुगर ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो इसका लिंक आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से जरूर देखिएगा और इसे ट्राई जरूर करिएगा, और इसका भी फीडबैक आप हमें जरूर बताइएगा। और अब हम डाल देते हैं इसमें एक ग्लास दूध। ये दूध मैंने डाल दिया है। अगर आपका दूध ठंडा है तो बहुत अच्छी बात है, ठंडा नहीं है तो आप इस तरीके से आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने आइस क्यूब्स भी डाल दी। और अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसे मिक्सर जार में चर्न कर देंगे। अब हम देख लेते हैं, ये देखिए ठंडाई हमारी एकदम रेडी है बढ़िया। तो अब हमें क्या करना है, इस तरीके से एक ग्लास लेना है और इसमें इस ठंडाई को पोर कर देना है। देखिए इसमें शक्कर मिलाने की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि ये हमने जो ठंडाई बनाई है इसमें ऑलरेडी शक्कर मिक्स्ड है। अब हम इसके ऊपर कुछ इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए आप। और थोड़ी सी केसर डाल दीजिए तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है। बनाने जा रहे हैं चावल। तो आप देख सकते हैं चावल मैंने अच्छे से धो लिया है और इसमें एक चम्मच मैंने ऑयल डाला है। और अब हम इसे इस तरीके से कवर कर देंगे। माइक्रोवेव में 11 मिनट्स के लिए हम लगा देंगे तो जल्दी से हमारा चावल बनके रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो चावल को कुकर में भी बना सकते हैं। तो चलिए हम चावल रेडी कर लेते हैं और अब हम इसे बंद कर देंगे इस तरीके से, और इसे हम सेट करेंगे 11 मिनट्स के लिए। गुजिया बनाने के लिए हम इस तरीके से एक बाउल लेंगे और उस बाउल में हम ये मैदा डाल देंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमने मैदा डाल दिया है और अब हम इसमें डाल देंगे ये ऑयल यानी कि घी। और अब हम इसमें ये घी डाल देंगे
घी डालने के बाद इसे हम हाथ से ही पहले इस तरीके से आप देख सकते हैं हम मैश करेंगे। तो हम इस तरीके से प्लेट से इन्हें कवर कर देंगे और सेट होने के लिए 10 मिनट्स के लिए रख देंगे। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने पैन ले लिया है और इस पैन में मैं डाल दूंगी ये खोया। तो ये खोया डाल दीजिए और इसे अच्छे से, अब हम इसमें डाल देंगे ये चीनी, पीसी हुई चीनी। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। ये सारे हमारे सब चीज जल गई है। इस तरीके से हम एक सांचा लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं सांचा लिया है मैंने, और इसके ऊपर हमें इस तरीके से इसे रख देना है कुछ ऐसे। और इसमें भरनी है हमें स्टफिंग। तो ये आप देख सकते हैं हमने स्टफिंग भर दी और अब हमें इसको इस तरीके से बंद कर देना है। और बंद करने के बाद ये जो सारा एक्सेस है इसे हमें निकाल देना है, ये देखिए इस तरीके से। और अब आप देख सकते हैं ये गुजिया हमारी रेडी हो गई है, खोल लीजिए। ये देखिए ये गुजिया बनके हमारी तैयार है। तो ये सकते हैं कि सारी गुजिया बनकर के हमारी रेडी हो गई है। अब हम इनको सेकेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं तेल अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम इसमें एक एक करके गुजिया डाल देंगे कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि गुजिया हमारी बन करके रेडी हो गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं, देख सकते हैं कि थाली बन करके रेडी हो गई है। और अगर आपको हमारी बनाई हुई ये होली की थाली पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।